नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और फिलहाल खड़ा हूं सियाग बीज भंडार के ऊपर। हमारे साथ जग प्रवेश भाई हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये जो फंगीसाइड आप देख सकते हैं, चार पांच प्रकार के फंगीसाइड हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, अलग अलग टेक्निकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इनसे हम जानेंगे कौन सा फंगीसाइड कितनी कीमत का है, एक एकड़ का खर्च कितना आएगा, किस प्रकार से एक एक प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग आपको जानकारी देंगे ताकि आपको एक जो है आइडिया हो जाए कि इसकी कीमत क्या है आपके एरिया में और कौन से का खर्च कितना है, उसके हिसाब से आप अपने खेत में अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सिहाग बीज भंडार मिरान सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज जो अपने पास फंगीसाइड है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जो फंगीसाइड अपने पास जैसे अवेलेबल है, जैसे कार्बेंडिजम है सुमीटोमो का, बिल्कुल एक जैसे कार्बेंडिजम 50% आता है इसमें, सभी फसलों पे इसका यूज होता है, तो इसका जो रेंज होती है लगभग एक जमींदार को आध किलो ये प्रति एकड़ की दर से पड़ता है और इसकी जो कॉस्ट पड़ती है मेरे हिसाब से 350-340 के आसपास पड़ती है। ठीक और है। उसके बाद में आता है अपना जो इंडोफिल का M45, ये 1 kg 2 acre में होता है। कौन सा टेक्निकल इसमें थोड़ा ये होता है? इसमें होता है मैनकोजे 75%। ठीक है। और ये 1 kg 2 acre में होता है और इसकी कॉस्ट लगभग जमींदार को पड़ती है 350 rupees 2 acre का खर्चा। ठीक है। यानी कि 175 rupees पर एकड़ का खर्चा हो गया। ठीक और है। इसमें ये दोनों साल्ट मिला करके एक आता है कार्बेंडिजम प्लस मैनकोजेब हंगो सुपर, जो कि 12-63 होता है। कार्बेंडिजम जिसमें 12% होता है और मैनकोजेब 63% होता है और इसकी कॉस्ट आती है लगभग 400 rupees प्रति 2 acre, यानी कि 200 rupees प्रति एकड़ के हिसाब से इसका खर्चा आएगा। यानी कि जो पिछले दो टेक्निकल आपने बताए हुए दोनों इसके अंदर मिक्स हैं? हाँ, दोनों इसके अंदर मिक्स है। ठीक है। और ये दोनों का जैसे एक बना हुआ है और उसके बाद में आता है अपना जड़ों के लिए लगभग थाइपोनेट मिथाइल सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंगीसाइड है अपना, जो जड़ में सबसे ज्यादा काम करता है। जड़ में? हाँ, जो जड़ गलन का रोग आता है उसमें ज्यादा काम करता है, उसमें सबसे ज्यादा काम करता है। इसके साथ में आप थोड़ी सी लिक्विड जिंक मिला के सब उसको स्प्रे कर दो या नीचे ड्रिंचिंग कर दो, सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है। इसको यूरिया के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं? हाँ, यूरिया के साथ मिलाकर भी दे सकते हो। तो नीचे जड़ों के लिए सबसे बढ़िया फंगीसाइड मैं इसी को मानता हूँ। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट अपने को जो आती है फार्मर लेवल पे अपनी 650 rupees प्रति 2 acre, मतलब 1 kg 2 acre में जाता है, 650 rupees प्रति किलो के हिसाब से है। तो इसकी कॉस्ट होगी अपने जमींदार को 650 rupees प्रति 2 acre। उसके बाद में आता है ये सुमीटोमो का प्रोडक्ट है आरू। आरू, ठीक है। इसमें टेक्निकल कौन सा है वो बताइए, क्योंकि हमें सिर्फ टेक्निकल से मतलब है। इसमें होता है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65%। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पर इसको करके। टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WG फॉर्म में आती है इसके अंदर। इसमें सल्फर टेबुकोनाजोल है वो जो ए क्लास लेवल, जो अभी जो फिलहाल जो प्रोडक्ट चल रहे हैं अपने फंगीसाइड लेवल में उस क्लास में आता है, और जो सल्फर इसमें मिलाई गई है वो बहुत बढ़िया तरीके से इनको मेंटेन किया गया है। तो ये वैसे तो सिरसम के लिए वरदान है, ये किसी भी फसल में हो सकता है वैसे, लेकिन सिरसम के लिए बहुत बढ़िया फंगीसाइड है ये इस टाइम के मामले में। बिल्कुल। इस मामले में इसकी कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट पड़ती है इसकी 480 rupees प्रति 2 acre, यानी कि 240 rupees प्रति एकड़ में किसान को स्प्रे हो जाता है। इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि इसमें एक तो फंगीसाइड है टुबैकनोजोल, काफी अच्छा फंगीसाइड होता है, दूसरा इसके साथ में सल्फर भी मिल जाती है जो कि सरसों की फसल के साथ साथ जो दूसरी तेल वर्गीय फसलें होती हैं उनके लिए सल्फर काफी अहम होता है, इससे तेल की मात्रा बढ़ती है और जो दूसरे फायदे भी हैं वो भी होते हैं, फसल में हरापन आपको दिखाई देता है, सल्फर की कमी से पीलापन आ जाता है, तो इसका ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसके अलावा एक हमारे साथ ये और भी है बायर का फोलिकोर है, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये है जी बायर का फोलिकोर, इसमें सिर्फ टेबुकोनाजोल आता है, टेबुकोनाजोल इसमें 10% आता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आता है, इसमें टेबुकोनाजोल आता है 25%। टेबुकोनाजोल 25% इसमें आता है, सिस्टेमिक फंगीसाइड का काम करता है। हाँ, सिस्टेमेटिक फंगीसाइड है और कॉन्टैक्ट भी है ये। कॉन्टैक्ट, लेकिन ठीक है लेकिन इसमें जो टेबुकोनाजोल 10% आता है, इसमें 25% आता है, ये बायर का प्रोडक्ट है इसलिए इसकी कॉस्ट पड़ती है 500 rupees प्रति एकड़ की, 1000 rupees प्रति आधा लीटर पड़ेगा ये एक जमींदार को।
जमींदार को, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन इसमें सल्फर मिक्स नहीं है। लेकिन इसके कारण से जो मीडियम वर्ग का जो अपना जो फंगिसाइड लेवल है वो सबसे बढ़िया मैं हारूगा मानता हूँ। ठीक है, इसमें साथ में सल्फर मिल जाती है। हाँ। और यदि बात करें हाल फिलहाल में जो सरसों की जो फिलहाल है फूल आ रहे हैं और फलियां बन रही हैं, इस टाइम पर आपको फंगीसाइड का स्प्रे जरूर देना चाहिए ताकि बाद में जो खेड़ा रोग आता है सरसों के अंदर, जो धोड़िया रोग आता है, बीच में तने जो हैं वो गल जाते हैं बिल्कुल, और जड़ गल जाती हैं, वो खेड़ा रोग जो आता है जिससे सरसों की पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसमें सरसों के इस रोग में, जड़ गलन रोग में, तना गलन रोग में कौन कौन से टेक्निकल आपके हिसाब से ज़्यादा कारगर हैं? थोड़ा मेरे हिसाब से टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आरू और कार्बेंडिजम मैन को दे। ठीक है, इनके दो स्प्रे मार दो आप, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, मेरे हिसाब से 90% चांस कम हो जाते हैं। ये तना गलन आता है या और कोई बीमारी आती है, पैदावार अपनी 5-7 महीने तो वैसे ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट हैं, जो फंगीसाइड हैं, अलग अलग टेक्निकल जो मुख्य टेक्निकल हैं, वैसे तो कई प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की फंगीसाइड आती है, लेकिन हम जो आमतौर पर यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और सबसे अच्छे जो टेक्निकल माने जाते हैं फंगीसाइड के लिए, वे यही टेक्निकल थे जिनके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी आज के इस वीडियो में। बस इतना ही, आपका आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद।